गुड इवनिंग दोस्तों, स्टॉक रिपोर्टर्स चैनल पर आपका स्वागत है। ये हमारा चैनल है, अभी सब्सक्राइबर हमारे थोड़े कम है क्योंकि आप लोग ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एनीवेज तो देखिए, ये हमने मंडे के लिए जो फिर निफ्टी के एक लेवल्स आपको निकाले थे, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। फिर निफ्टी ने अच्छे से उस लेवल्स को रिस्पेक्ट किया और उसके अकॉर्डिंग वर्क किया फिर निफ्टी ने। और अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होती और फॉलो की होती तो डेफिनेटली आपको एक अच्छे लेवल्स मिलते उसमें काम करने के लिए और आप अच्छा कुछ अर्निंग कर सकते थे, राइट। और ये हमारा फिर निफ्टी का जो है कल के लिए लेवल्स हैं, जो हमने फिर निफ्टी के लेवल्स कल दिए हैं। अब हम बैंक निफ्टी के साथ साथ फिर निफ्टी के भी लेवल्स अपने चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। तो प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन क्लिक कर दें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन वीडियो की आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस के वेनसडे के लिए कल के लिए उसमें कैसा काम रह सकता है। तो दोस्तों, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, देख सकते हैं, और ये डेली चार्ट है। और ये हमारे कुछ जो हमने जो पिछले वीडियो बनाए थे उसके अंदर ये हमारे कुछ लेवल्स थे जिनमें हमने अपने लेवल्स मेंशन किए हुए थे। आप चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि लेवल्स किस तरह से काम कर सकते हैं। और आप इस लाइन को भी देख सकते हैं, ये अक्टूबर मिडिल के आसपास का है। ये अक्टूबर मिड में है जब निफ्टी ने 17,000 के आसपास का लो लगाया था, और लो लगाने के बाद में मार्केट ने एक ऊपर अप मूव दिया और 18 अभी 18,200 के आसपास है। और हमने यहाँ पर एक वीडियो बनाया था और उसमें ये क्लियरली बताया था कि अब 17,000 का लेवल अक्टूबर मंथ में नहीं टूटेगा, नहीं ब्रेक होगा। और एग्जैक्टली मार्केट ने उस इस लेवल्स के बाद में वापस मुड़कर नहीं देखा और आज 18,200 के पास आकर क्लोजिंग पर है, राइट। उम्मीद करते हैं आपने वो लोग उन्होंने उम्मीद करते हो वो वीडियो देखा और आप लोगों ने एक अच्छी अर्निंग करी हो मार्केट से, क्योंकि मार्केट में क्लियरली बाय ऑन डिप्स था, सेल ऑन राइज मार्केट अभी भी नहीं है, राइट। नोट रखना, अभी भी मार्केट सेल ऑन राइज नहीं है, राइट। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी पिछले वीक मार्केट ने यहाँ पर एक जो प्राइस एक्शन बनाया था, ठीक है, ये प्राइस एक्शन था। मंडे के दिन मार्केट ने इसको एक ब्रेक करने की कोशिश करी है और जो हमारा ये सप्लाई जोन था इसको भी मार्केट ने क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो अब जो ये सप्लाई जोन था, अभी हमारा सपोर्ट लेवल बन गया, यानी कि अब जो हमारा सपोर्ट लेवल बना है वो 18,120 से लेके 18,000 राउंड फिगर 50, 18,050 तक का ये आपका डिमांड जोन रहेगा। याद रखना, ये आपका डिमांड जोन रहने वाला है। अगर मार्केट इस लेवल्स के अंदर आता है तो यहाँ से 90% चांस है कि मार्केट एक वापस बाउंस बैक देगा, राइट। और जो ऊपर के लिए जो लेवल्स हैं यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, मार्केट ने पहले इस लेवल से ही एक शार्प करेक्शन दिया था, यानी कि 18,300 से लेके वो 16,800 के आसपास तक मार्केट गया था। तो ये एक क्रूशल रेजिस्टेंस रहने वाला है 18,350 के आसपास का। इस लेवल्स को आप ध्यान में रखिएगा कल के लिए, वेनेसडे के लिए। और 18,430, ये 18,430 और 18,350 ही ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रेंज जो है सेलर जोन है, इसको हम सेलर जोन बोलते हैं, ठीक है। ये सेलर जोन क्यों है? क्योंकि सेलर जोन इसलिए है, यहाँ से मार्केट एक टाइम, दो टाइम और ये थर्ड टाइम यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर एक बार मार्केट रुक सकता है। मार्केट के अंदर कुछ ज़्यादा ही बाइंग का मूड हुआ तो डेफिनेटली कुछ गैप अप में ही वैसे ब्रेक होना चाहिए, नॉर्मली डेज में ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। ये लेवल्स जो है ये गैप अप में ही ब्रेक होने चाहिए अगर मार्केट में मूवमेंट ऊपर की तरफ रहता, नहीं तो कल निफ्टी 18,300, 350 और 450 के रेंज में आता है तो वहाँ पर आप स्ट्रिक स्टॉप लॉस के साथ में काम कर सकते हैं शॉर्ट साइड का ट्रेड लेने के लिए, राइट। तो अब ये हमारे सपोर्ट जोन हो गया है, तो चलो एक बार हम इंट्राडे में देख लेते हैं कि इंट्राडे में निफ्टी ने किस तरह से काम किया था, तो हमको एक थोड़ा सा क्लियर व्यू नज़र आएगा आप लोगों को। तो चलिए अभी बार हम एक बार निफ्टी का इंट्राडे का चार्ट देख लेते हैं किस तरह से निफ्टी ने इंट्राडे में काम किया था मंडे के दिन। तो दोस्तों, ये हमारा 15 मिनट का चार्ट है, आप देख सकते हैं जो हमने वहाँ पर ड्रॉ किया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ ड्रॉ होके आ गया है और आप यहाँ पर साफ देख सकते हैं, ठीक है। जो कल मंडे मार्केट ने गैप अप ओपनिंग करी थी, गैप अप ने मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं हुआ और स्लोली स्लोली मार्केट ने नीचे यहाँ से सपोर्ट लिया, और ये वो लेवल था, आप देख सकते हैं 18,075 के आसपास ये वो लेवल था जहाँ से एक मार्केट ने अच्छा बाउंस दिया था। ये देख सकते हैं, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया,
फिर यहाँ रजिस्टेंस लिया, यहाँ रजिस्टेंस लिया और यहाँ से सपोर्ट लिया, और ये फाइनली क्लोजिंग जो फ्राइडे को हुई थी इसकी रजिस्टेंस के ऊपर हुई थी, और ये हमारा एक सप्लाई जोन की तरह भी वर्क कर रहा था। तो इस लेवल्स को उसने ब्रेक करके गैप गैप अप ओपनिंग किया। अब गैप अप ओपनिंग में फिर नॉर्मली गैप अप ओपनिंग में अभी आज के डेट में यही हो रहा है कि गैप अप ओपनिंग होने के बाद में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है और सेकेंड हाफ में मार्केट फिर ऊपर की तरफ चली जाती है। तो अब आप ये लगा लीजिए जो आपका जो ये लेवल है 18,000 और 17,950, ये आने वाले दिनों के अंदर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल रहने वाला है, तो आप इसको कंसीडर करिएगा। और आप देख सकते हैं कि जो हमने अभी ऊपर आपको लेवल बताए थे डेली चार्ट पे, ये 15 मिनट का चार्ट हम यूज़ कर रहे हैं निफ्टी का, तो हमने अभी आपको डेली चार्ट पर बताया था कि 18,350 से लेके 18,450 के आसपास आपको सप्लाई जोन मिलेगा, और ये लेवल्स आपके सामने इंट्राडे के अंदर आप देख सकते हैं कितना क्लियरली विजिबल है। ठीक है, तो कल कोई भी अगर गैप गैप अप ओपनिंग होती है और इन लेवल के आसपास आता है तो आप एक बार तो आप स्टार्टिंग के 15 मिनट और आधे घंटे की कैंडल को फॉलो कीजिएगा। अगर उसमें कोई स्ट्रेंथ आती है तो आप लोगों के लिए ट्राई करना, अदरवाइज आप सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी कल अपना सकते हैं निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो हम इसमें एक बार वापस से डेली चार्ट पर चलते हैं और आप आपको हम वहाँ पर रजिस्टेंस देख लेते हैं कि क्या रजिस्टेंस बन सकता है इसके अलावा। वैसे नॉर्मली यही रजिस्टेंस कल के लिए वर्क करेगा आपका। तो फ्रेंड क्लियरली रजिस्टेंस यही है क्योंकि यहाँ से मार्केट गिरा था 18,350 के आसपास से, तो पहला रजिस्टेंस हमारा ये लिए रहने वाला है और दूसरा रजिस्टेंस हमारा ये रहने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लग रहा है कि इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ मार्केट में है नहीं कि वो इसको क्रॉस कर जाए कल के लिए। आने वाले दिनों में हो जाए वो अलग बात, बट अभी कल के लिए नहीं, क्योंकि कल भी कोई इतनी स्ट्रांग कैंडल मार्केट में बनी नहीं है। बेशक एक नीचे से रिकवरी आई थी शार्प, बट वो एक स्ट्रेंथ मार्केट में नहीं नज़र आ रही है। तो लेट्स सी, तो जो भी कोई गैप अप ओपनिंग होती है तो वहाँ पर आप इन लेवल्स पे एक सेल साइड कंसिडर कर सकते हैं। और जो भी लाइव डेटा रहता है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करेंगे, आप लोग चाहें तो उसमें जुड़ सकते हैं। और हमारा प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, आने वाले वक्त में हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। आप लोग आते हो वीडियो देख लेते हैं, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। उसमें आपका आपका कुछ नहीं जाना, उसके अंदर सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना और आपको एक अच्छा कंटेंट मिलेगा फॉर श्योर, ये मेरी गारंटी है। आने वाले डेज के अंदर आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो अभी हमने अब निफ्टी का देख लिया, अब हम बैंक निफ्टी का लेवल्स भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट किस तरह से रहता है। सो फ्रेंड, ये हमारी बैंक निफ्टी है स्पॉट और ये हमारा डेली चार्ट है और ये कैंडल्स हैं बैंक निफ्टी की। आप देख सकते हैं मार्केट बैंक निफ्टी किस तरह से मूव कर रहा है, ये इन लेवल्स पे सपोर्ट बनाता हुआ जा रहा है। और ये एक प्राइस एक्शन जो पिछले 10 दिन के आसपास से ये प्राइस एक्शन कर रहा था, इस प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट देके यहाँ पर मंडे को क्लोजिंग करी मार्केट ने। एंड अगेन इस कैंडल के अंदर भी हमें स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है कि कोई बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, बट फिर भी ओवरऑल मार्केट ने नीचे से अच्छा बाउंस दिया क्योंकि मार्केट बाय ऑन डिप्स है, सेलिंग के मूड में अभी फिलहाल नहीं है। तो चलिए हम एक बार इसमें देख लेते हैं कि ये किस तरह से आपको मंडे के लिए इसमें हम काम कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं जो हमारा एक पहला रेजिस्टेंस था मंडे को बैंक निफ्टी ने उसके ऊपर क्लोजिंग करी है, यानी कि 41,550 के आसपास का एक रेजिस्टेंस लेवल फेस हो रहा था मार्केट के अंदर और वो बैंक निफ्टी ने इजीली इसको क्रॉस कर दिया है। राइट, ये जो रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं क्लियरली विजिबल है क्योंकि यहाँ से लास्ट टाइम मार्केट नीचे गिरा था तो ये एक क्लियर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और इसलिए मार्केट आप देख सकते हैं यहाँ पर इस लेवल्स पर आकर रुक गया था, यानी कि बार बार रेजिस्टेंस कर रहा था। और ये वाली कैंडल ने जो मंडे को कैंडल बनाया है, इस कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है और इतना ज़्यादा पॉजिटिवली क्रॉस नहीं किया है। फिर भी देखते हैं कि कल की वेनसडे की ओपनिंग क्या रहती है और किस तरह से बाइंग या सेलिंग होती है, तो जब आप हमको पता लग जाएगा कि ये लेवल सस्टेन होंगे या नहीं होंगे। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का यहाँ पर एक हाई है, तो हम इस हाई पे एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, तो हमको एक क्लियर पिक्चर नज़र आएगा कि हमें एक क्लियर रेजिस्टेंस और यहाँ पर क्या हो सकता है। ये रेजिस्टेंस हमको यहीं कंसीडर करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस है 41,850। राइट, और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 41,690 के आसपास, यानी कि यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, 150 पॉइंट्स के आसपास का एक लेवल से जहाँ से बैंक निफ्टी लास्ट टाइम गिरा था। आप देख सकते हैं इस लेवल्स के आसपास से बैंक निफ्टी ने गिरना स्टार्ट किया था और नीचे
36,000 के लेवल तक बैंक निफ्टी गया था और वापस ये फर्स्ट टाइम आया, फिर दूसरी टाइम जब आया फिर वहाँ से सेलिंग प्रेशर आया और 37,600 के आसपास, 200 के आसपास मार्केट गया। अब यहाँ से फिर वापस आ रहा है तो ये थर्ड टाइम इस लेवल को क्रॉस कर रहा है। तो इस थर्ड टाइम के अटैम्प्ट में ऐसा होता है अगर मार्केट के अंदर बाइंग प्रेशर है तो मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर देता है। वेनसडे की ओपनिंग में अगर बैंक निफ्टी ने ये 41,850 के लेवल क्रॉस कर दिए और वहाँ पर सस्टेन हुआ तो फिर हम एक इसके अंदर बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स के ऊपर ही है। तो और जो अगर रेजिस्टेंस क्रॉस होके ये इसके ऊपर सस्टेन करता है इन लेवल्स के ऊपर, तो यहाँ पर एक इस तरह से प्राइस एक्शन बनेगा। आप देखिए इस तरह से एक प्राइस एक्शन बनेगा और इस प्राइस एक्शन के बाद मार्केट ऐसे ऊपर निकलेगा, ठीक है। तो और जो हमारा अब जो सपोर्ट होगा ये बिल्कुल ये लेवल होगा, यानी कि 41,500 के आसपास अब हमारा स्ट्रांग रेजिस्टेंस, 41,500 के आसपास हमारा स्ट्रांग सपोर्ट कल के लिए बन जाएगा अगर मार्केट ने इन लेवल्स को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन किया, यानी कि 41,850 के आसपास को लेवल को क्रॉस कराया और सस्टेन किया। तो 41,500 हमारा स्ट्रांग सपोर्ट जोन बन जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। तो कल के लिए हमारा जो भी है अभी, तो एक बार हम इंट्राडे के लेवल्स भी ऐसे फाइंड कर लेते हैं कि इंट्राडे में क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। 15 मिनट का चार्ट हमने लगाया है, आप ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर है। जो हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन खींची थी वो ट्रेंड लाइन ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो गई है। तो ये देख सकते हैं क्लियरली जो हमने डेली चार्ट पर ट्रेंड लाइन खींची थी और ये 15 मिनट के चार्ट पर ही ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो गई है, यानी कि ये देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस लेवल हो गया, ठीक है। और जहाँ पहले मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे गया था और उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था और अब फाइनली इस रेजिस्टेंस के जोन के अंदर मार्केट चल रहा है, यानी कि अब इस जोन को अगर क्रॉस करता है तो यहाँ से एक अच्छा मूव होने की संभावना रहेगी मार्केट के अंदर, क्योंकि ओवरऑल तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में बाइंग प्रेशर चल रहा है, तो इसलिए मार्केट हर डिप पे बाई बन जाता है, कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, क्योंकि शॉर्ट्स मार्केट में काफ़ी ट्रैप हो रहे हैं आजकल। तो इसलिए आप बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी कल अपना सकते हैं अगर इन लेवल के ऊपर जो हमने बात करी है 41,850 के ऊपर रहता है, तो फिर यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनेगा और प्राइस एक्शन बनने के बाद मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर निकल जाएगा। और 17,500 ये हमारा स्ट्रांग लेवल कल के लिए भी रहेगा, आप इस लेवल्स को नोट करके रखिएगा। 41,500 ये हमारे लेवल्स हैं, दो ये सप्लाई जोन रहेंगे, ठीक है, ये सप्लाई जोन है, तो इनको आप देखिएगा और इन लेवल्स के ऊपर आप काम करने की कोशिश कीजिएगा कल के दिन। जो भी हमारा इंट्राडे में कुछ ट्रेड रहेगा और हमारे लाइव डेटा पे जो भी फोकस रहेगा वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करेंगे, तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आने वाले वक्त में हम इसमें अच्छे आपको स्टॉक्स की भी एनालिसिस डाल के दिया करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये हमारा स्टॉक रिपोर्टर, आपका अपना चैनल, हैप्पी अर्निंग अहेड, थैंक यू वेरी मच।